अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन मैं हूं इश्तियाक जानी और तुसी देख रहे हो FSD ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन अज असी आए हैं आवाम दे नाल मुखातब होन, खासकर रक्शे वाले जिहड़े अजकल जानवर वगैरह लैके जा रहे हैं, लोडिंग वगैरह कर रहे हैं। इन्हों को पूछा इन्हों के माशी हालात किदां ने, इन्हों किराया पूरा मिल रहा कि नहीं मिल रहा, किन्ने गेड़े ला रहे हैं, किन्नी कमाई कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, की हाल है भरा जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक भाई। मतलब कि तुसी सवारियां दे विच गंद गुंद पाया? मजबूरी है भरावा, हुण की करिए, इंपोर्टेड हुकूमत ने वह हाल साडा कर दिता कि असी रोटी पूरी नहीं हुंदी सफर करेगा? मैं तुहानू दसना भाई, चार सवारियां अगर कोई मतलब के पहले फौजी हो जांदी सी, चार जी चल जांदे सी, उन्होंने चार जीआं दी सीधे एक जी जांदा, ओ भी जाके कहिंदा कि यार मेरे सिद्धी भी तुम्हें वादा, मेरे तू वादा कह दी। हुण पिंडी अगर एक बंदे ने जाना होए तो 5,000 रुपया किराया होए फिर वो वापस आ सकता। बिल्कुल 2,000 रुपया किराया होए तो जान जान च लग जाना, वापस उन्हें किसने आना मोबाइल बेच के। किन्ने कीड़े लाए मतलब जानवर? अज भाई जान 2.5-3 घंटे हो गए इतने खड़े हैं। अच्छा गड्डी तेरी किन्ने दी पूरी? ₹3,10,000 का हुण रक्षा आ रहा वा, ₹3,10,000 ला के भी घर साफ सुथरा रहा गया गेड़िया ना भाई ने, इन्हां गेड़िया ना किसना साफ सुथरा रह सकता, तुम आप जानते हो। बचत जड़ी है और मैं 1,000 रुपया लैके कल अपना करियाना स्टोर ते गया वा, उहदे कोल 1 किलो घिओ लिया वा, 1 किलो चीनी और 1 पत्ती का डब्बा, और उस तो बाद मेरे को 1,000 दोबारा लैके जाने वाली हालत नहीं सी। उस तो अलावा दुध का घर का खर्चा, आटा घर का खत्म, अगर चीनी अगर तुम सिर्फ तीन चीजें दो दिन लैन वाली होर है वा, यानी कि हिम्मत ही नहीं है इंसान दे विच। हुण दसो की करिए असी? यार हो सकदा कि 2-4 महीने दे विच दोबारा सेट हो जावे। नहीं सर, सानू तो इंपोर्टेड हुकूमत दे विच ना सानू हालात नज़र आते सैट नहीं होंगे, क्योंकि मिफ्ता साहब वैसी वो बैगर का नॉट बी चूजर, असी बैगर नहीं है, वो बैगर ने जेडे इस टाइम हुकूमत कर रहे ने, ओ बैगर ने भाई, असी बैगर नहीं, असी खुददार काम करदे पहले होर भी काम करदे भाई, पहले पार्ट टाइम काम करीदा सी, हुण ओ भी छड के ते हुण रिक्शा चला रहे आ, उत्थे भी काम नहीं मिल रहा, पेट दा भरना बच्चे पेट दा फिर भरना, फिर दसो हुण असी की करिए, तुसी दस्सिओ अगर तुहाडे कोल कोई ऑप्शन है। बजा मैं तुहाडा रिक्शा दे के आया सी, मैं कहा यार रिक्शा सवारियां वाला ते विच डंगर बचे, मैं इंटर कीता होया, FA पढ़े आ, FA पढ़िया रिक्शा चला रहे हैं, बाद लोग कहंदे आ कि यार तू FA कीता रिक्शा चला रहे हैं, मैं कहा तुसी भाई जान इत्थे देखो MBA कीता तुहानू रिक्शा चलांदा मैं दिखा सकदा वा, BCOM कीता लड़का, मुआशी हालात जिहड़ा ना, देखो मेरी गल सुनो, अगर तुहाडा मुल्क स्टैंड होएगा ना फिर तुसी एक गरीब बंदा स्टैंड होएगा, अगर तुहाडा गरीब बंदा ही स्टैंड नहीं है, अपना मुआशी हालात तुहाडे स्टैंड नहीं ना है, किसी सूरत दे विच तुसी कदी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। एक मीटर स्टैंडर्ड बंदा रोक जा रहा है, ओ शक्ल ही ओदी इंज दी सी। अच्छा चलो और सब ठीक जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वीर जी, की हाल है? अल्लाह दा करम दुआ। कदों दे आए खड़े हो? आधा घंटा हो गया। फिर दिहाड़ी ते किन्ने कीड़े लाउंदे हो? 4-5 लग जांदे। 4-5 खाली के ले जांदे हो? नहीं जानवर लै के जाइदे आ। किन्ने? 2-3 जो ने भी होण। एक कीड़े दे किन्ने पैसे मांगदे? एक गेड़े दे मुनासिब ही पैसे लईदे आ। किन्ने सफर दी निस्बत दी है? सफर तकरीबन 10-15 किलोमीटर। 10-15 किलोमीटर दा 1,000-1,200 रुपया। 1,000-1,200 लोग दे दिंदे? हां हस के दे दिंदे। अगे पिछे तुसीं 300 दे रोलदे हुंदे हो? हां ए कुर्बानी दा करके दे दिंदे आ, गलबात सुनाई दी आ उहनां नूं। अच्छा जी सानूं वी सुनाओ कोई गलबात। एहो ही कि माशाल्लाह 1,000 नाल किहड़ा कुर्बानी महंगी होण लगी आ, वी माड़े बंदिआं नूं दिंदे कहता दुख दे आ तुहानूं, उद्दां वी तां इन्ने इन्ने भर लैंदे आ। तुसीं बैठे इदां रोण वाला मूंह बणाया सी, क्यों हुण तुसीं हस रहे? हुण हस रहे बनाया इस करके भी काफ़ी देर तो खड़े हैं, वह चौक च गड्डी लगी कमेटी वालों की, अगर उपर बैठे होंगे कि लैब कोई आया तो दस्ती किक मारा के निकल जाएंगे, तो किक कोई ला के मारनी पै जाए कि धक्का लवा लीदा पक्का। तो हूँ जानवर लैके गए नहीं? ਇਹ ਭਾਈ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਕਣੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਕ 'ਚ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਇਓ? ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ? ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਜਿੰਦੀ ਨੂਰਪੁਰ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਕਿਨਵਾਂ ਗੇੜਾ ਖੜਿਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਗੇੜਾ? ਦੂਸਰਾ ਗੇੜਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ।
ਸੂਬਾ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਦੋ ਗੇੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਗੇੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੈਸੇ ਲਾਇਆ 250 ਦਾ ਚੱਲੀਏ ਲਾ ਦਿਓ ਫੇਰ ਬਕਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਲੱਤ ਇੱਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਲੱਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਲਾ ਲੈ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਚੱਲ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਗਾ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਝੂੜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਗਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਹੋ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਕਿਦਾਂ ਦੌੜਾ ਲਾਈਆਂ ਖਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਜਵਾਇ ਗੇੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੇੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੇੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਲਗਾ ਲਏ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਲਾਏ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੇ ਆਹੀ ਆ 600-700 ਮਰੇ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਬਚਾ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹਾ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਮਰੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਾਉਣੇ ਅੱਗੇ ਈਦ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ